दोस्तों, अगर आप हमेशा से एक पेन ड्राइव या कीबोर्ड या माउस या कोई गेम पैड अपने Amazon Fire TV स्टिक में लगाना चाहते हैं तो अब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारे पास एक स्पेशल OTG केबल है जिसकी मदद से आप ये सारी डिवाइसेस अपने Amazon Fire TV स्टिक में अटैच कर पाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है जानने के लिए कि फायर टीवी स्टिक जो है वो OTG टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक नॉर्मल OTG केबल से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें एक स्पेशल OTG केबल चाहिए जो कि मेरे पास है इस तरह की। यह एक माइक्रो USB मेल टू फीमेल OTG केबल है अडैप्टर और पावर वाई स्प्लिटर के साथ। इतने लंबे नाम की चिंता ना करें, ये स्पेशल OTG केबल जो है इसमें एक फीमेल माइक्रो USB पोर्ट है, एक मेल माइक्रो USB पोर्ट है और एक फीमेल USB टाइप ए का पोर्ट है। आप अपनी फायर टीवी स्टिक को लें और उससे पावर केबल को निकाल लें। अब आप इस मेल माइक्रो USB कनेक्टर को लें और फायर टीवी स्टिक में लगा दें। अब आप पावर केबल को फीमेल माइक्रो USB कनेक्टर में लगा दें। आप HDMI पोर्ट को वापस अपने टीवी के पीछे लगा दें। अब आप पावर को स्विच ऑन करें और बस आपका सेटअप तैयार है। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट है। चलिए आइए इसमें एक पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, 32GB की सैंडिस्क की पेन ड्राइव। मुझे एक मैसेज भी मिला है नीचे राइट में टीवी के स्क्रीन पर जो कहता है कि USB ड्राइव इज माउंटेड। अब इस USB ड्राइव के कंटेंट को देखने के लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि ES फाइल एक्सप्लोरर। अब आप ES फाइल एक्सप्लोरर के ऐप को खोल लीजिए और स्क्रॉल करिए पेन ड्राइव को और नीचे देखिए उसके कंटेंट। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वीडियो फाइल हैं। चलिए हम VLC प्लेयर के द्वारा इनको चला के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बढ़िया चल रही है। अब एक वायरलेस माउस लगा के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। YouTube को खोलते हैं और हाँ, माउस तो चल रहा है। अब देखते हैं कि एक वायर्ड गेम पैड चलता है कि नहीं। जो गेम पैड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है Logitech का F310। तो क्या बात है दोस्तों, अब हम गेम्स भी खेल सकते हैं Amazon Fire TV स्टिक से। आप साइड लोड कर सकते हैं और ऐप्स अपनी पेन ड्राइव के द्वारा और इंस्टॉल भी कर सकते हैं ES फाइल एक्सप्लोरर की मदद से। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल OTG केबल है ये MI के टीवी स्टिक में काम नहीं करेगी। ये बहुत ही बढ़िया एक एसेसरी है जो कि आप खरीद सकते हैं अपने फायर टीवी स्टिक के लिए, जो 300 रुपये से कम की आ जाती है। अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए एक बाय लिंक छोड़ दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। शुक्रिया दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के और बढ़िया वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।